हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी तड़का विद अमिता। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ हैदराबाद की ऑथेंटिक वेज हैदराबादी दम बिरयानी की रेसिपी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके पास जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि उसी को प्रेस करने से आपको आगे आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, और इसमें मैं अब वेजीज डालूंगी। तो ये मैंने कुछ वेजीज ले लिए, देखिए फूल गोभी है, कैरेट है, शिमला मिर्ची है, आलू है और मटर है। इन सबको मैंने धो के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप और भी दूसरी वेजीज डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, जैसे फ्रेंच बीन्स है या और कोई वेजी, और इसमें से कोई स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और अब मैं इन सबको मैरिनेट करूंगी दही के साथ। ये सब मैंने वेजीज मिक्सिंग बोल में डाल दी हैं, और अब मैं इनको मैरिनेट करने के लिए 1 कप के जितना गाढ़ा दही मैंने ये लिया है, और इसको अब मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इसमें मैं मिक्स कर दूँगी थोड़ा, और अब इसके बाद मैं मसाले ऐड करूँगी। तो ये 1 टीस्पून के जितनी हल्दी है, ये 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और ये 2 टीस्पून बिरयानी पाउडर है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और ये सॉल्ट है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून डाला है, और ये मिर्ची है छोटे छोटे पीस। अब इन सारे मसालों को डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी उसमें। ये देखिए सारी सब्जियाँ अच्छे से मिक्स हो गई हैं, और अब इनको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे साइड में। और इधर मैंने ये पानी रख दिया है चावल बॉईल करने के लिए, तो ये 10 से 12 कप पानी है, और ये 1 बाउल मैंने फुल वाले बासमती राइस लिए हैं। तो आप बिरयानी के लिए बासमती राइस जो फुल वाला आता है वो ही लीजिएगा, तो उससे बिरयानी अच्छी बनती है। और ये मैंने पानी में 1 टीस्पून लेमन जूस डाला है, उसके बाद ये 1 टीस्पून सॉल्ट है, उसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल और लेमन जूस से चावल चिपकते नहीं हैं, एकदम खिले खिले हमारे राइस बनेंगे। और अब इसके बाद मैं इसमें ये चावल ऐड कर दूंगी, और ये हमें हाफ़ बॉईल करने फ्रेंड्स। अब देखिए जैसे बाउल बॉईल आ गया है, तो बॉईल के बाद मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर और हार्डली चार से पाँच मिनट तक कुक करूंगी। मैं आपको दिखा दूंगी कितना कुक करना है इसको। ये देखिए अब 4 से 5 मिनट हो गए हैं, तो ये हमारा जो चावल है वो पूरी तरीके से बॉयल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ तो ये 2 पीसेस में कट हो रहा है, बस इसी तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूँगी और ये चावल स्ट्रेन कर लूँगी मैं। तो देखिए अब मैंने ये चावल स्ट्रेन कर लिए हैं, और इसमें मैं ठंडा पानी डाल दूँगी जिससे कि इनकी भाप निकल जाएगी, और इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी। अब देखिए हमने गैस पर एक पैन रख दिया है, और इसके अंदर अब हम घी डालेंगे। तो ये मैंने प्योर घी लिया है, देसी घी, और ये 4 टेबलस्पून के जितना मैं घी ऐड करूँगी। आप चाहें तो रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि आप देसी घी में ही बनाइए, उसमें बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अब इसमें मैं खड़े मसाले ऐड करूँगी, थोड़ा सा घी को गर्म होने देंगे, उसके बाद मैं इसमें खड़े मसाले ऐड करूंगी। तो ये मैंने सबसे पहले ज़ीरा ले लिया है, ये शाही ज़ीरा है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल वाला ज़ीरा भी डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला इसमें, ये 1 कड़ी तेज़पात पत्ता है, ये 2 हरी इलायची हैं, ये 7 से 8 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग है, और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा है। ये सारे मसाले डालने के बाद हम इन्हें 1 मिनट तक भूनेंगे, और इसके बाद ये मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाली है। अब इन सारे मसालों को हम 1 मिनट तक भूनेंगे।
अब ये मैंने एक मिनट तक भून लिए मसाले। अब इसमें मैं ये 15 से 20 कटे हुए काजू हैं मेरे पास, ये मैं डालूंगी और इनका कलर चेंज होने तक इनको हम भूनेंगे। इसके बाद मैंने ये केसर के धागे हैं 10 से 12, ये भिगो के रख दिए थे पानी में, क्योंकि इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास नहीं अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं, आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब देखिए काजू का कलर चेंज हो गया है और इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और इसको डालने के बाद भी हम इसको कम से कम 2 मिनट तक भूनेंगे, जब तक कि इसमें अच्छे से मिक्स ना हो जाए और इसका कलर चेंज ना हो जाए। अब देखिए हमारी जो सब्जियां थी वो भी रेडी हैं, और उनमें मैं पनीर डालना भूल गई थी, तो ये मैंने पनीर कट कर लिया है 15 से 20 ये क्यूब्स में पनीर कट कर लिया है, इसको मैं डाल दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। और ये पुदीना और धनिया पत्ती है जिसको मैंने धो के कट कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है गाइस, पुदीना, तो आप इसको स्किप मत करिएगा, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। तो अब मैं इनको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और इधर हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम सब्जियाँ ऐड कर देंगे, और सब्जियाँ ऐड करने के बाद हम इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये मैंने सब्जियाँ अच्छे से मिक्स कर दिया। अब ये मेरे पास तला हुआ प्याज है, ये मैंने प्याज छोटा छोटा काट लिया था और उसको उसके बाद मैंने तल लिया है। अब मैं इसमें ये हाफ प्याज, ये मैंने 3 से 4 मीडियम प्याज ली थी जिनको मैंने छोटा छोटा काट के तल लिया था, तो अभी मैंने इसमें हाफ प्याज ऐड किया है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इन सब्जियों को हमें 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है गाइस। तो इसमें मुझे थोड़ी ग्रेवी कम लग रही है, तो ये जो बाउल है मिक्सिंग बाउल, उसी में मैंने पानी ऐड कर दिया 1 कप के जितना, और उसी पानी को मैं मसाले सहित इसमें डाल दूंगी, और इसको 4 से 5 मिनट एक बॉयल आने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर हम कुक करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सब्जियां कुक होते होते 4 से 5 मिनट हो गए हैं, और इसको मैं ऑफ़ कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है, क्योंकि हमने सब्जियों में नमक जो डाला था, तो चावल में भी नमक नहीं है, उनका जो नमक था पानी में से स्ट्रेन हो गया, तो मैं इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और इधर मैंने एक कढ़ाई रख दी है बड़ी, जिसमें पानी भर के रखा है, और इसी में हम अपनी बिरयानी बनाएंगे। अभी हमारी बिरयानी कंप्लीट नहीं हुई है गाइस, तो मैंने एक कुकर ले लिया है जो कि उस कढ़ाई में आ जाए, उसमें मैं ये जो सब्जियां हैं उसका 2 पार्ट कर लूँगी, और 1 पार्ट मैंने इस कुकर में डाल दिया है, उसको थोड़ा इवन कर दूँगी मैं। इसके बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी, चावल को भी मैं 2 पार्ट में डालूंगी, मैं इसके ऊपर एक इवन लेयर सेट करूंगी चावल की, क्योंकि ये जो बिरयानी है लेयर्स में ही बनती है गाइस, तो ये मैंने एक इवन लेयर सेट कर दी कुकर में। अब इसके ऊपर जो हमारे तले हुए प्याज बचे थे, थोड़े से मैं वो प्याज डालूंगी, और
जैसे कढ़ाई में रखने के बाद पानी इसमें से थोड़ा सा छलक रहा है, तो अब मैं इसका पानी थोड़ा कम कर दूंगी जो कढ़ाई में पानी है। ये देखिए मैंने पानी कम कर दिया है, तो अब पानी नहीं छलक रहा है। और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 25 से 30 मिनट पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, हमारी बिरयानी भी बन चुकी है। और आप बीच में इसे खोल के देख सकते हैं, आप साइड से चेक कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बिरयानी नीचे से चिपक तो नहीं रही है, ये आप चेक कर सकते हैं बीच में खोल के, और फिर उसका ढक्कन लगा के रख दीजिए। लेकिन इसको कम से कम 25 से 30 मिनट हमें कुक करना होता है। तो देखिए कितनी बहुत ही प्यारी स्मेल आ रही है इसमें से, और बहुत ही प्यारा टेक्सचर और कलर आया है। और इसको हम लेयर वाइज ही सर्व करते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने साइड से निकाली और अब मैं सर्व कर रही हूँ। और ये बिरयानी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बिरयानी खाने के बाद आप जो हमारा जो नॉर्मल पुलाव बनता है, वेज पुलाव बनता है, वो खाना आप भूल जाएंगे गाइज, आई एम श्योर। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए रेडी है हमारी हैदराबादी दम बिरयानी, हैदराबादी वेज दम बिरयानी की रेसिपी। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।